आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑक्सीजन एनरिचमेंट बारे में। ब्लास्ट फर्नेस में क्या इसका इम्पोर्टेंट है और क्या एडवांटेज है ऑक्सीजन एनरिचमेंट का, आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मेनली ब्लास्ट फर्नेस में ऑक्सीजन एनरिचमेंट करते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। आपका जो भी ब्लास्ट फर्नेस से प्रोडक्शन चाह रहा है उसमें और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो ऑक्सीजन एनरिचमेंट की ज़रूरत पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ऑक्सीजन ऐसे ही बढ़ा देंगे बिना कार्बन दे के, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको ऑक्सीजन देना है तो आपको कार्बन भी देना पड़ेगा। तो वो कार्बन अभी जो दे रहे हैं वो भी पीसीआई थ्रू से दे रहे हैं, और पीसीआई में देने से कोक रेट बहुत कम होता है और कॉस्टिंग भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो मेनली ये चीज़ है कि आपको ऑक्सीजन देना है तो आपको एक्स्ट्रा कार्बन देना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो आपको ऑक्सीजन देंगे तो आपकी ब्लास्ट फर्नेस में जो भी रैप्ट चल रहा है वो भी बढ़ेगा। तो रैप्ट को कम करने के लिए आपको सोचिए, आप रैप्ट कांस्टेंट रखेंगे और आपको पीसीआई देंगे तो पीसीआई देने से क्या होगा, रैप्ट आपका कम होगा। तो कम होने से तो फर्नेस ठंडा होगा चांस रहेगा, तो इसीलिए आपको रैप्ट कांस्टेंट रखना है, पीसीआई देना भी है तो साथ में आपको स्टीम भी देना पड़ेगा। आप ऑक्सीजन बढ़ाएंगे तो आपका रैप्ट बढ़ेगा, तो रैप्ट को कंट्रोल करने के लिए आपको स्टीम की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसीलिए मेनली जो एम है ऑक्सीजन एनरिचमेंट की वो है प्रोडक्शन बढ़ाना, और कोक रेट में ज़्यादा कम होता है मगर इतना नहीं होता है, मगर प्रोडक्शन बढ़ता है। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कोक रेट कम होगा। तो चलिए हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि मैंने इसका एक वीडियो मैंने इसके बारे में भी बताया हूँ कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इसका डिटेल्स मैंने बताया हूँ, मगर आज उसका थ्योरी जानेंगे कि क्या रियली ऑक्सीजन का क्या काम करता है, क्या एडवांटेज है। मेनली मैं आपको बताऊंगा क्या क्या एडवांटेज रहता है ऑक्सीजन एनरिचमेंट की। सबसे जो है ऑक्सीजन एनरिचमेंट का क्या है, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाई यूजिंग पीसीआई एंड स्टीम, इसका मेन है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन एनरिचमेंट। तो उसका क्या एडवांटेज है, मैं लिखा रहा कि ऑक्सीजन एनरिचमेंट जो है ऑक्सीजन एनरिचमेंट फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाई यूजिंग स्टीम एंड पीसीआई, क्योंकि पीसीआई भी देने से भी फायदा है और साथ स्टीम भी देने भी फायदा है, क्योंकि स्टीम देने से आपको क्या होगा, टू टाइप होगा, रिड्यूसिकेटेड मिलेगा, एक सीओ है एक एच टू, क्योंकि ये डायरेक्ट हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये रहा मेन ऑक्सीजन एनरिचमेंट का, और एडवांटेज क्या है, एडवांटेज वो एक एडवांटेज क्या है, सबसे एडवांटेज जो है वो है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द बीएफ, सबसे डिक्रीज द कोक रेट,
प्लीज कोऑपरेट। मेन एम जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और डिक्रीज द कोऑपरेट है। और ऑक्सीजन बढ़ाएंगे तो इंक्रीज रैप्ट बढ़ाता है। रैप्ट बढ़ाने का मीन्स क्या होता है ना, रैप्ट बढ़ाने का मतलब होता है कि थर्मल वर्क पोटेंशियल इंक्रीज होता है। आप रैप्ट बढ़ाएंगे तो यू कैन इंजेक्ट पीसीआई एंड स्टीम, रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग। और क्या होता है, मैंने बोल दिया कि डिक्रीज द कोक रेट, इंक्रीज द रैप्ट और डिक्रीज द हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस। डिक्रीज हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, डिक्रीज हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस। और क्या करता है, जो भी हमारा आइसोथर्मल जोन जो है वो क्या होता है, डाउनवर्ड को शिफ्ट हो जाता है। तो डाउनवर्ड शिफ्ट होने से क्या होगा, क्यों शिफ्ट होता है ना, क्योंकि आपका जब भी ऑक्सीजन एरेंजमेंट कर रहे हैं तो आपका ब्लास्ट वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो उसके साथ साथ आपका गैस फ्लो भी डिक्रीज होगा। तो इसीलिए क्या होगा, आइसोथर्मल जोन जो है वो डाउनवर्ड को आएगा। तो उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा ना, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो और क्या होगा, ऑक्सीजन एरेंजमेंट में हाई हार्ट टेम्परेचर भी होता है और हाई हार्ट टेम्परेचर। और क्या होगा, हाई सिलिकॉन सिलिकॉन भी हाई रहेगा, क्योंकि हार्ट टेम्परेचर गर्म होगा तो सिलिकॉन भी बढ़ेगा, हाई सिलिकॉन। और क्या होगा, हाई लिक्विड टेम्परेचर, लिक्विड मेटल टेम्परेचर। ये भी होता है क्योंकि ऑक्सीजन एडमिट सब जो भी है यही है, हाई सिलिकॉन है, हाई लिक्विड मेटल टेम्परेचर है। ये मेन एडवांटेज जो है मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन एरेंजमेंट की क्या क्या एडवांटेज है। इसके लिए हम लोग ऑक्सीजन को यूज करते हैं। सबसे एडवांटेज मैंने पहले बोल दिया था कि प्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका कोक रेट कम होगा, हार्ट भी गर्म रहता है, सिलिकॉन भी हार्ट गर्म रहेगा तो सिलिकॉन भी बढ़ेगा और लिक्विड टेम्परेचर मेटल टेम्परेचर भी अच्छा मेंटेन होगा और टिक्की तो हाई हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस का भी होगा, हाई हार्ट टेम्परेचर, हाई सिलिकॉन, हाई लिक्विड मेटल टेम्परेचर, रैप्ट, हाई रैप्ट होगा तो आप उसको स्टीम दे के उसको रैप्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टीम में आपको कंट्रोल करेंगे तो आपको प्रोडक्शन भी, क्योंकि आपका जो भी हाई, मैंने बोला था कि हाई एंडोथर्मल रिएक्शन होता है H2O प्लस C के साथ रिएक्शन करके जो बनता है H2 प्लस CO बनता है, वो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, तो CO से ज़्यादा आपका हाइड्रोजन है तो इसकी वजह भी प्रोडक्शन बढ़ता है। चलिए, मैंने बहुत छोटा करके ये ऑक्सीजन बनाया हूँ, मेरे ख्याल से आपको ये बहुत फायदा देगा। आप उसको बार बार देखेंगे तो आपको भी नॉलेज आ जाएगा कि एक्चुअली ऑक्सीजन एरेंजमेंट क्या काम है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टीम बारे में बताऊंगा कि स्टीम का क्या एडवांटेज है। ओके, थैंक यू।